बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 10 इज़ पावर 4 वोल्ट। वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट के ऊपर जो है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 10 इज़ पावर 4 वोल्ट है। इफ़ अ चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रो कोलम इज़ ब्रॉड फ्राम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अगर वो कहता है एक चार्ज जिसकी वैल्यू प्लस में है, प्लस 100 माइक्रो कोलम है, इन्फिनिटी से ला के उस पॉइंट के ऊपर रख दिया जाए, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो उसके ऊपर कितना वर्क डन जो है वो हुआ होगा उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर ला के रखने में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू 10 इज पावर 4 वोल्ट है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब 10 इज पावर माइनस 6 होता है, तो इसको चार्ज का एसआई यूनिट चूंकि कूलम है तो इसको इसके एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए इसको 100 को 10 इज पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके एसआई यूनिट कॉलम में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वर्क डन W हमने फाइंड करना है कि उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर ला के रखने के में कितना काम हुआ है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि हमें मालूम है, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय क्यू है, व्यू इसमें पोटेंशियल है और क्यू जो है वो चार्ज की वैल्यू है। इसमें वैल्यूज़ इंटर करेंगे तो W इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 इज़ पावर 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 10 इज़ पावर 4 इंटर करेंगे मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ पावर माइनस 6 है। तो चूंकि जो 100 है ये 10 इज़ पावर 2 के इक्वल होता है, तो W इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 इज़ पावर 6, ये 10 इज़ पावर 2 और 10 इज़ पावर 4 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर की पावर आपस में जो है वो ऐड हो जाएगी। W इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 इज़ पावर 4 इंटू 10 इज़ पावर माइनस 4, तो ये हमारे पास क्योंकि 10 इज़ पावर 4 है इंटू 10 इज़ पावर 2 है, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी 10 इज़ पावर 6 इंटू 10 इज़ पावर माइनस 6। या इसका एक और तरीका भी है, 10 इज़ पावर 4 है इंटू 10 इज़ पावर 2 है, ये जो 10 इज़ पावर 2 है इसको 10 इज़ पावर माइनस 6 से के साथ कंपेरिज करेंगे, शार्ट करेंगे, तो ये पावर उसमें से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर की पावर जो है उसमें से माइनस हो जाएगी, तो वो हमारे पास 10 इज़ पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 10 इज़ पावर 4 इंटू 10 इज़ पावर माइनस 4 जो है वो आपस में चूंकि एक दूसरे के मुतबादल हैं तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 1। तो वर्क डन हमारे पास आ गया W इज़ इक्वल टू 1 जोल। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट को ला के उस पॉइंट के ऊपर रखने में जो वर्क डन उसने तय किया वो 1 जोल है। जोल क्योंकि वर्क डन का जो है वर्क काम होने का ऐसा यूनिट है, तो इसलिए ये 1 जोल जो है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।